महिलाओं को दिखाया जा रहा है कि ये भी गौर है। अरे कृष्ण शरण करो, कृष्ण ख्याल करो, महिलाओं को लिखा बेटी गौर है। अच्छा वाकई रह गया। अब तो शायद तुम हर गरीब में एक 6 साल के बच्चे को कहोगे चाहिए गौर है, ये अच्छा दान है। तो वैसे लेडी डॉन की बात कर रहे हैं, लेडी डॉन के बहाने योगी सरकार पर हमले कर रहे हैं। ओवैसी का ये बयान वायरल हो रहा है। दरअसल ये हमला शाइस्ता परवीन को लेकर माना जा रहा है, जिसकी तलाश यूपी पुलिस कर रही है। निकाय चुनाव के मद्देनजर मुरादाबाद पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने CM योगी को बाहुबलियों माफियाओं को लेकर घेरा तो बात महिला सम्मान तक आ गई। महिलाओं को दिखाया जा रहा है कि ये भी गौर है। अरे कृष्ण शरण करो, कृष्ण ख्याल करो, महिलाओं को दिखा बेटी गौर है। अच्छा वाकई रह गया। अब तो शायद तुम हर गरीब में एक 6 साल के बच्चे को कहोगे ये चाहिए गौर है, ये अच्छा दान है। दरअसल शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड मामले में इनामी आरोपी हैं और उमेश पाल हत्याकांड के कुछ दिनों के बाद से ही फरार हैं। लगातार तलाश की जा रही है। कहा जा रहा है कि अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही उसके क्राइम कारोबार को संभाल रही थी। आपको बता दें कि कई मीडिया चैनल्स की ओर से शाइस्ता को लेडी डॉन कहकर भी संबोधित किया गया। वहीं आगे ओवैसी अतीक अशरफ के मर्डर पर भी सरकार और विपक्ष पर हमलावर होते हैं। समाजवादी के नेताओं से पूछिए, कांग्रेस के नेता जो हमारे देश की जेल को धमकी दे रहे हैं, उनको गोली मार देंगे। हमारे देश के अधिकार अंसारी साहब ने कहा, मुस्तफा दीवान साहब ने कहा कि भेजा ने गोली मारना, पीठ को नहीं मारना, सीधे बढ़ना। मुस्तफा दीवान साहब ने कहा, आपको बोलना चाह रहा हूं, ये गोली मारना, ये सब करना, ये कमजोरों का काम है। अरे जोड़ना भी जरूरी है, बड़ा काम है। गोली तो अलाबाद में भी उठाकर गोली चली थी, अलाबाद गोली तो गाड़ी पर भी चली थी, मगर दुनिया जान सकती है, दुनिया गांधी के साथियों को याद नहीं रखती, दुनिया गांधी को याद रखती, क्योंकि गोली से उनकी हत्या की गई। तो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम जालिम को जालिम बोलते रहेंगे। गोली मारने वाले याद रखो, तुम पूरी गोली खत्म हो जाएगी तुम्हारी, मगर हम सच्चाई और हक को भ्रम करते रहेंगे। हम गोलियों से डरने वाले नहीं है, हम अगर ध्यान से अपने कायनात से डरने वाले हैं। आपको बता दें कि ओवैसी अपने उम्मीदवार मोहम्मद शहजाद के लिए उमरी कला में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसके पहले ओवैसी ने सहारनपुर में भी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और सीएम योगी के नो कर्फ्यू नो दंगा यूपी में सब चंगा वाले बयान पर जमकर कटाक्ष किया। तो NCRB की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2017 से लेकर 2021 के दौरान हुए कम्युनल दंगों को भी गिनवा डाला। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।